हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित गुप्ता फ्रॉम एसओएल अपडेट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नो योर सिलेबस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर का एक पेपर जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है जल्द ही, तो जानते हैं आज की वीडियो में क्या रहने वाला है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं ताकि आप एक अच्छा एग्जाम करके आ सकें और सही मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस मैथ्स का हमारा पेपर होगा टोटल 100 मार्क्स का, जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी टोटल 3 आवर्स, और इसमें टोटल रहेंगे हमारे पास 5 यूनिट्स। तो पहली यूनिट्स आपके पास आएगी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपने क्लास 12th में अच्छे से करी होगी कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम 3 वेरिएबल प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसकी बिजनेस एप्लीकेशन थोड़ी सी आप यहाँ पर जानेंगे, एक यूनिक सोल्यूशन निकालना होगा यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स। तो यहाँ पर हमें पहले पॉइंट में यही बोलता है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, एलजेब्रा क्या है मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हम मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है और एक क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइए, एक क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट शॉर्ट शॉट आता ही आता है यहाँ से। उसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट से जिसका नाम है लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, तो इसको आप अच्छे से करके जा सकते हैं। ये दोनों क्रैमर्स रूल एंड लियोंटिफ इनपुट आउटपुट पहली यूनिट से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड यूनिट हमारे पास जो आती है वो आती है बेसिक कैलकुलस की, कैलकुलस क्या होता है, यहाँ पर हम जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में, जैसे कि लीनियर फंक्शन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, लॉगरिथमिक क्या होते हैं, लॉजिस्टिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसमें वेर हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है लिमिट का, कॉन्टिन्यूटी का किसी भी फंक्शन में। उसके बाद हम एक यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स में मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज मीन्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में भी हम चेंज ही निकालते हैं। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मार्जिनल एनालिसिस का, इलास्टिसिटी का, इसको आप सॉल्व करेंगे ये डेरिवेटिव्स की हेल्प से, अप्लाइड मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है इंक्लूडिंग टैक्स इफेक्ट ऑन मोनोपोलिस्ट ऑप्टिमम प्राइस एंड क्वांटिटी। उसके अलावा यहाँ पर हम एक टॉपिक देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है आपका इसका प्राइमरीली ये सेकेंड पार्ट जहाँ पर आप मार्जिनल एनालिसिस करते हैं यूजिंग दी हेल्प ऑफ कैलकुलस। थर्ड हमारे पास आ जाता है एडवांस कैलकुलस, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है एक्चुअल में और आपके लिए काफी इंट्रीगिंग हो सकता है। इसमें हम काफी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरीके से करी जाती है, एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, हम दूसरे में चेंज मानते हैं और उसमें हम डेरिवेटिव लगाते हैं। उसके अलावा होमोजेनिटी ऑफ फंक्शंस क्या होती है, यूलर थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप पढ़कर जा सकते हैं। टोटल डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ टोटल डिफरेंशियल। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आता है मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम सॉल्व करना यूजिंग 2 वेरिएबल्स, अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और कंस्ट्रेंट, जैसे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपके लिए क्या होगी कि आपको किसी भी कंज्यूमर का, लेट्स से कंज्यूमर बजट फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको उसकी गिवन बजट लाइन, उसकी कुछ इनकम होगी, उसके कंस्ट्रेंट में डिमांड फंक्शन दिया हुआ है मान लेते हैं, ऑप्टिमाइज करना है उसको, तो वो फंक्शन किसी भी फॉर्म का हो सकता है आपका, और उस आपको एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट मतलब आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो सिमिलरली हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लग्रांज मल्टीप्लायर, तो हैव इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स एंड नॉट मोर देन 1 कॉन्स्टेंट, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपका गारंटीड कह सकते हैं कि लग्रांज मल्टीप्लायर पे आना ही आना है, तो इसका इक्वेशन जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ही जाइएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आता है थर्ड यूनिट के अंदर ही इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ेंगे, मेथड्स क्या क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्ट्स मेथड, यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एरियाज निकालना सिंपल केसेस के अंदर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस हम किस तरीके से इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लिमिट्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लर्निंग कर्व, तो इसमें लर्निंग कर्व आप जरूर पढ़ के जा सकते हैं, लर्निंग कर्व काफी बार एग्जाम में आया हुआ है एज अ शॉर्ट नोट और एज अ सब पार्ट किसी भी एक मेन क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हमारे पास क्या क्या रहेगा, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, नॉमिनल रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन किस तरीके से इफेक्ट करती है, फिक्स्ड
फिशर इक्वेशन आपको याद होगी, इंटर रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, अलग अलग कंपाउंडिंग के सिचुएशन में सिंपल इंटरेस्ट रेट कैसे चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैसे चलता है, आप किसी की भी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू पे कैसे जाते हैं, सो कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ सम यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स एंड इक्वेशन ऑफ वैल्यू, एन्युटीज क्या होती हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, ड्यू डेफर्ड एन्युटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस क्या होती है, परपेचुअल क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परपेचुअल एन्युटी क्या है कि आपको फॉर अप टू अ फॉरसीएबल पीरियड पैसा मिलता ही रहेगा, एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता ही रहेगा, उसके फिक्स जरूरी नहीं है फिक्स हो, आपकी फिक्स परपेचुअल भी हो सकती है, वेरिएबल परपेचुअल भी हो सकती है, टिप्स लिंक परपेचुअल भी हो सकती है। तो ये काफ़ी सारी डिपेंड करता है अलग अलग जो भी आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बैंक्स हैं, अलग अलग टाइप की स्कीम्स ऑफर करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यूज आप किस तरीके से निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से, एप्लीकेशन रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, लीजिंग, वैल्यूएशन आप किस तरीके से करेंगे, सिंपल लोन की, डिबेंचर्स की, सिंकिंग फंड प्रोविजंस क्या होते हैं। सिंकिंग फंड क्या होता है सिंपली, कि अगर एक कंपनी को अपनी डेट को रिटायर करना है तो किस तरीके से स्टार्टिंग में से ही एक प्रोविजन क्रिएट कर रही है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ पैसा एक्यूमुलेट करती है ताकि जब उसकी रिडेम्पशन की डेट आए तो वो इजिली उस डेट को रिटायर कर सके। और लास्ट यूनिट आती है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी आपने 12th में अच्छे से करी हुई है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड सॉल्यूशंस, इनफीजेबल रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो इसका इक्वेशन नॉर्मली आता ही आता है आपके पास, सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, सिंप्लेक्स मेथड्स, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन केसेस, शेडो प्राइसेस क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, अनबाउंडेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सेम वही चीज है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एलपीपी के ऊपर। तो ड्यूअल प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मुलेशन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमल एंड ड्यूअल एलपी, तो एलपीपी पे एक क्वेश्चन आपका नॉर्मली आएगा ही आएगा। तो हमारे पास 5 यूनिट्स है, तो हम कह सकते हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ही हमारे पास, जो शॉर्ट शॉर्ट एक एक क्वेश्चन हमें देकर जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अब प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से, तो भाई प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस बुक नहीं है तो आप रीडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग्स क्या होती हैं, आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बोल दीजिए मेरे को बिजनेस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 4 की रीडिंग्स प्रोवाइड कर दीजिए, वहाँ की शॉप आपको प्रोवाइड कर देगी जहाँ पर अलग अलग ऑथर्स से हमने कुछ कुछ चैप्टर्स लिए हुए होते हैं और उनको क्लब करके हमें दिए हुए होते हैं, तो आप उन रीडिंग्स की हेल्प से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल सोर्सेज हो गए जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।